फायदा क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रहा है। आज क्रिप्टो बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। क्वाइन मार्केट कैप के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो बाजार में करीब 6% की शानदार बढ़त देखने को मिली है। इस बढ़त में बिटकॉइन, इथेरियम समेत कई क्रिप्टो करेंसीज में तेजी देखी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन करीब 5.83% की बढ़त के साथ 38,32,812 रुपये पर ट्रेड कर रही है, तो वही इथेरियम भी 4.36% की तेजी के साथ 3,06,919 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। बिनांस क्वाइंस 3.83% बढ़कर 41,035 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। डॉज क्वाइन 3.85% बढ़त के साथ 13.75 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। पॉलकाडॉट में 8.30% की तेजी देखी गई और ये 2,199 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन की हिस्सेदारी 40.50% है, तो वहीं इथेरियम की बाजार में 21.40% हिस्सेदारी है। इन दोनों ही क्रिप्टो करेंसीज में तेजी देखी जा रही है। 3 दिन पहले भी बिटकॉइन में लगभग 5% का उछाल आया था। बिटकॉइन का मार्केट कैप बढ़कर करीब $966 बिलियन पर पहुंच गया है। सुधरते ग्लोबल सेंटीमेंट से क्रिप्टो बाजार को सहारा मिला है। इसके अलावा ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के उस बयान से भी क्रिप्टो बाजार में हलचल देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने डॉलर को बिटकॉइन से रिप्लेस करने की बात कही थी। डॉर्सी ने ट्वीट किया था कि भविष्य में बिटकॉइन अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा। पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो बाजार में सुधार देखा जा रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी बाजार का मार्केट कैप 2.39 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें 5.44% की बढ़त दर्ज की गई है, तो वहीं कुल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम 14.11% बढ़कर 102.84 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि डेफी ट्रेडिंग वॉल्यूम का 16.94% देखने को मिला। क्रिप्टो मार्केट के तेज उतार चढ़ाव के पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। किसी भी क्रिप्टो क्वाइन का कितने लोग इस्तेमाल करते हैं और किस लिए करते हैं, ये बात इसकी कीमत पर बड़ा असर डालती है। अगर ज़्यादातर लोग क्वाइन को होल्ड करने के बजाय उसे खर्च करते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी। क्रिप्टो इकोसिस्टम में वेल अकाउंट्स दिलचस्प चीज़ है। वेल अकाउंट उन्हें कहते हैं जो बाजार में मौजूद किसी क्वाइन के कुल सर्कुलेशन में से बड़े हिस्से का शेयर रखते हैं। इनके पास क्वाइंस की बड़ी होल्डिंग्स होती है और ये जब अपना हिस्सा बेचते हैं तो कीमतें गिरने लग जाती हैं। भारतीय निवेशक भी क्रिप्टो बाजार में जमकर पैसा लगा रहे हैं। देश के करीब 10 करोड़ निवेशकों ने क्रिप्टो बाजार में 70,000 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। ऐसे में सरकार को जल्द ही नए बिल में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े खतरों को काफी हद तक कम करना होगा, साथ ही निवेशकों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कार्यसूची में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन और उसे बैन करने का बिल आने की बात कही थी। इसके बाद से ही क्रिप्टो बाजार में हाहाकार मच गया था, लेकिन अब इस बिल के न आने से इन निवेशकों की दुविधा कई गुना बढ़ गई है।